यहाँ पे आप इसको क्या बोले, भिंडी बोलेंगे या भिंडा बोलेंगे? ये बहुत बड़ा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा लास्ट डे है नंगर पार्कर। तो जब आए थे तब हम साथ सबके सब मिलके व्लॉग बना रहे थे, तो आज सोचा लास्ट व्लॉग भी सबके साथ ही शुरू किया जाए। तो भाई साहब, जय श्री राम, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। तो राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। तो आज हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ पे रायचंद भाई के कुछ खेत लगे हुए वो घूमने के लिए, क्योंकि ये 4-5 दिन 6 दिन से ये काम कर रहे हैं, रेगुलर कहीं गए नहीं, मैं तो सिर्फ घूमने में ही व्यस्त था। तो अभी सब निकलते हैं घूमने के लिए, और आप लोगों के साथ भी हमारी जो ये छोटी सी जर्नी है वो शेयर करते हैं और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। और आज मेरे ख्याल से सूर्य ग्रहण भी है ना, बोल रहे हैं, पर पता नहीं है, लेकिन अपन चलते हैं घूमने के लिए, फिर वापसी आके फ्रेश होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सुबह उठते ही गौ माता के दर्शन होते हैं। यहाँ पे बहुत हैं गायों का जो है ना, यहाँ पे बहुत है, ये देखें, सुबह उठते हैं गायें ज़रूर नज़र आती हैं रोड रास्तों पे तकरीबन। तो अभी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है यार, क्या है शरण भाई? ये आंकड़ा है, इसे ये आंकड़ा है, आंकड़ा बोलते हैं। तो गाइस, हमारी लैंग्वेज में इसको आंकड़ा बोलते हैं। ये देखें, ये आंकड़ा। तो यहाँ पे ये सारे घास ही घास हैं, लेकिन हमें पता नहीं, तकरीबन छकड़े चलते हैं। छकड़ा है नहीं, इसको छकड़ा बोलते हैं। ये टैंक का है पानी भरने वाला, नहीं छकड़े जैसा ही है ना छकड़ा। यहाँ से ये देखो, ये पानी की टंकी इसमें लगी हुई है, और रेत में ये मोस्टली यही चलते हैं। टंका नाम ही तो रास्ता, यहाँ से खेतों में जाने का रास्ता अभी हमें मिला ही नहीं है। चारों तरफ दीवारें लगी हुई है और हम घूम रहे हैं चारों तरफ, उस तरफ से। ये है गेट जो हम अभी खेतों में इंटर हो चुके हैं। ऐसे ही हर किसी के अलग अलग लगे हुए हैं, और अभी हम खेतों में आ चुके हैं। तल वावल दे, तिल तिल लगे हुए हैं। श्रवण भाई हमें बताते हुए चलेंगे क्या क्या लगा हुआ है। ये दिल लगा हुआ है, तिल, तिल। यहाँ पे प्यास लगाने का जो तरीका, यहाँ पे यह लगी तरीका है। और हमारे यहाँ वहाँ तो बड़े बड़े कीड़िए बनाए जाते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं जिसमें पानी चल रहा है, जिसे इतने बड़े बड़े होते हैं अपने वहाँ पे सिंध, अपने मीरपुर खास साइड। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे बनाए हुए, देखें, खैर बनी का हिसाब होता है, जैसे पानी भराने में आसानी हो उसी तरह से ये लगाते हैं। और यहाँ पे उसका उसकी जो नर्सरी लगाई हुई है, यहाँ पे नर्सरी तो सही है, ऐसे ही लगती है अपने वहाँ भी। पहुँच चुके हैं मिर्ची में, यहाँ पे देखें मिर्ची लगी हुई है, काफ़ी बढ़िया मिर्ची लगी हुई है यार, काफ़ी तबंग। तो मिर्ची टाइट वाली, यहाँ पे ये सेम है, वहाँ पे अपने वहाँ पे खीरिए बनते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे भी खीरिए बने हुए हैं और सेम तरीके से। और रेड 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 इसको बोले लोंगी, लूंगी मिर्च, ढूंगी मिर्च, पता नहीं कौन सी ढूंगियाँ, ये सब इनको ज़्यादा पता है इनके नाम, क्योंकि ये खेती बाड़ी करते हैं, उनको नाम वगैरह पता होते हैं, मुझे इतना खास नहीं पता है। भाई के बड़े भाई है, और ये इसको क्या बोलते हैं, पावड़ा, कोदार, ये कोदार है, ये दिस इज़ खाएड़ा, दिस इज़ कोदार, और अजीब अजीब नाम है भाई। और एक ये पड़ा है, इसके गुड वगैरह निकालते हैं, मतलब घास वगैरह निकालते हैं मिर्ची में से। और अभी आए हुए यार हिराचंद भाई के बड़े भाई हैं, वो उनका जो ट्यूबवेल वगैरह चालू करना, पानी वगैरह, ये अबे नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया, ये देखें ये तोड़ दिया। कितनी एवरेज है? आप बैंगन रखे हुए, और यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, ये रायचंद भाई के बाबा हैं, ये वन्ना भाई, वन्ना भाई, और ये वन्ना भाई। यहाँ पे आप इसको क्या बोले, भिंडी बोलेंगे या भिंडा बोलेंगे? ये बहुत बड़ा है, ये देखो, दिस इज भिंडा। यहाँ पे भिंडी लगा, ये सारा फसल यहाँ पे लगता है, कनकी भी लगती है। अंकल जी बोल रहे हैं कि कनकी लगती है 54 मन निकलते हैं तकरीबन, जो एवरेज है वो, इतना तो एवरेज हमारे पास भी नहीं है जितना इतना यहाँ पे। बहरहाल चलो,
सही है, यहाँ पे इनकी हैप्पी लाइफ है, बहुत बढ़िया। और अभी आ चुके हैं बैंगन की तरफ, बैंगनू की तरफ, बैंगन नहीं बैंगनू की तरफ। तो रायचंद भाई के बैंगन यहाँ से जाते हैं, जो सब्जी का अपना ठिया लगा हुआ है ना उनका, यहीं से। लाहौरी गज्जर भी मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और लाहौरी गज्जर अक्सर आपको जो जो ज़मीन तकरीबन पक्की ज़मीन होती है वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी लगाए हैं। बड़े होते हैं या छोटे छोटे? बड़े होते हैं, बड़े 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 होते हैं। तो यहाँ पे भी लाहौरी गज्जर हर फसल यहाँ पे लगा हुआ है, जो अपने वहाँ पे लगता है। यहाँ पे ये देखें, ये पूरा का पूरा बैंगन का एरिया है। और इस तरफ ये घर है, घरों के बराबर दूरी लगी हुई है ये वाली। मेरे को दिस इज़ कॉल्ड द शिबड़ा। और ऐसे शिबड़े बहुत देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। शिबड़ों का अभी तकरीबन सीजन खत्म। मुझे देना, टेस्टी कर लेगा। टेस्टी करो आप, मुझे दो, मैं भी टेस्ट करूँगा। अच्छा, ओ ये बड़ा पटके देता हूँ। ओ ये बहुत बड़ा शिबड़ा, कच्चा है पक्का? पक्का है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा शिबड़ा मिला है। सब मिलके खाएंगे, ये मिलके खाएंगे बड़ा शिबड़ा। तो गाइस, रायचंद वालों की बनी यहाँ पे एंड होती है। इनके यहाँ दीवार लगी हुई है, दीवार ही समझ लो, जो खेतों में यहाँ पे उन्होंने बेर बेर लगाई हुई है, देवियाँ हैं। और ये तो मुंगे यार, ये मोहब्बत बूटी मेरे पाँव में चिपक गई यार। ये देख, ये देखो, मोहब्बत बड़ी खतरनाक हो गई है। हाँ, ऐसे 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 यूँ। इनको भी मोहब्बत मिल गई है, हमें तो पहले मिली हुई है, देखें। तो ये शुरुआत से एंड तक ये हमारे साथ रहेगी, तो यही, इसी को तो कहते हैं सच्ची मोहब्बत। तो शुरुआत से लेके एंड तक साथ निभाए। चलो भाई, कुछ नहीं, अभी मोहब्बत के हम वाकिफ हो गए, उस वजह से लगने दो भाई। और यहाँ पे भी हमें कालिंगा देखने के लिए मिलोगे, इसको बोलते हैं कालिंगा। अपनी बोली में क्या बोलते हैं शर्मा? कालिंगा, बाकी सिंधी वाटर मेलन। सिंधी बोली में छाई, हमारी बोली में कालिंगा, इंग्लिश में वाटर मेलन, उर्दू में खरबूजा। सो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट नेम। ये अपने वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड कुतरी, यू कैन से। ये एक घास का नाम है जिसको हम कुतरी बोलते हैं। कुतरी अगर अपनी लैंग्वेज इंग्लिश की साइड बोला जाते बिच, कुतिया। तो ये घास है, ये बूटी है, एक विषयकरण बूटी है। विषयकरण बूटी है, वो पता नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो हमारे पीछे। ये देखो, चले भाई, अभी आज का लास्ट डे, तो मोहब्बत के साथ चल लेते हैं। और हमने खेती घूम ली। अब देखो, ये वाटर मेलन पक गया तो ये फट गया, ये देखो ऐसे ही होते हैं। धूप ज़्यादा लगी। ये देखो, यहाँ पे वाटर मेलन बहुत है। अरे काले गाँव है। दिस इज कॉल्ड खड़िंगा। आई होप यू विल बी एंजॉयिंग दिस ब्लॉग्स एंड दिस टूर यू एंजॉयड। तो ये वाला जो अपना टूर है, काफ़ी मेमोरेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। जो 7 दिन जो गुजारे हैं, काफ़ी मज़ेदार। और घूमते घूमते काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे हैं, काफ़ी लोग मिले। नंगर पार्कर का जो हमने तकरीबन जितना हो सका मेरे से हो रहा था, वो इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया, जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आज है हमारा लास्ट। यहाँ से ये देखें, पाइपलाइन लगाई हुई है। और ये 12 कितना गहरा है देखें, वाह। ये देखें, ऐसे तकरीबन 3 से 4 तालाब बने हुए हैं रायचंद भाई वालों के। चार बने हुए हैं, चार। पूरा का पूरा खेत हमने घूम लिया रायचंद भाई वालों का। अभी वापसी निकलते हैं, सीधा चलते हैं मंदिर पे और चाय वगैरह पी लेते हैं। चाय अभी तक नहीं पिए, चाय पी के फ्रेश होके फिर निकलते हैं, देखें क्या सीन है। तो अभी वापसी सेम जगह से हमें आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चारों तरफ वो ऐसी लकड़ियाँ लगी हुई हैं और रास्ता बंद है। तो यहाँ से वापसी हमें, जहाँ से इंटर हुए थे वहीं से वापसी निकलना। पहुँच चुके हैं अपने ठिकाने पर, और यहाँ पर अभी भाई साहब तैयारी कर रहे हैं भाई ढोलक बजाने की। असल में कल माता रानी की थापना है, कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, कलर करना है। और हमारे लिए चाय भी भाई साहब लेके आ जाएंगे रोज़ाना, वजह हमारी खतरदारी में टॉप पे लगे हुए हैं। पानी आ चुका है, पानी पी लेते हैं। चाय इन्होंने तो पी ली, और इनको ये देखें, मोहब्बत बूटी पीछे पड़ गई। मैं भी अभी फ्री हुआ हूँ,
ये चाय पी रहे हैं। अभी चलते हैं कपड़े लेने के लिए, कल मैंने धोए थे कपड़े तो लेके आए, फ्रेश होके फिर यहाँ से निकलते हैं। और गाइस यहाँ पे ये देखें लकड़ियाँ इन्होंने इकट्ठी की हुई है, और कल माता रानी का जो थापना है, माता रानी की थापना मतलब कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो इन्होंने ये लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग होता है, तो इनविटेशन सबको दी हुई है। 23 तारीख को बहुत बड़ा सत्संग है माता रानी, माता दुर्गा का, माता शेरावाली का, तो उसी वजह से ये लकड़ियाँ इकट्ठी हुई और काट रहे थे, कल आए थे बंदे। और अभी चलते हैं कपड़े ले आए, फ्रेश हुए फिर यहाँ से निकले। अभी फ्रेश हो चुके हैं और अभी यहाँ पे इन्होंने काम अपना स्टार्ट हो चुका है। मैं जाता हूँ मंदिर, यहाँ से निकले ताराने के पाँव लग के आशीर्वाद लेके आ गए हैं। और मैं और शरण भाई अभी निकल रहे हैं, शरण भाई रेडी है। और यहाँ पे अभी माता रानी के नवरात्र स्टार्ट होने वाला है, तो उस वजह से यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं, सत्संग वगैरह होगा, तो उस वजह से ये जगह जो खाली पड़ी है ना, तो ईश्वर भाई वाले ये काम में लगे पड़े हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद इनके साथ है, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और हम भी अभी यहाँ से निकलेंगे, चलते हैं नंगर पार्कर सिटी, फिर देखते हैं भाई कहाँ जाना होता है। आज तो खेत वगैरह सारे के सारे घूम के आ गए, सब एक साथ गए थे, और अभी यहाँ से तो हम निकलते हैं। ठीक है ईश्वर भाई, जय माता की। अभी हम पहुंच चुके हैं नगर पार्कर सिटी में, और यहाँ पे बिरयानी वाले भाई साहब के ठेले पे कुछ लिखना था, तो ये कैलाश के कैलाश भाई वालों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ शरण भाई अभी लिख रहे हैं, इसके ऊपर कलर करेंगे। तो ये छोटा सा शहर नंगर पार्कर द सिटी ऑफ हिंदूज, तो यहाँ पे सारे के सारे जो बिजनेस है कारोबार है तकरीबन हिंदू की ही है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ठीक है वगैरह हर चीज़ क्लियर है, यहाँ पे सिटी बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी है, यहाँ पे कचरा वगैरह। यहाँ पे भाई साहब बना रहे हैं बिरयानी, और यहाँ पे लिखे जा रहे हैं नाम, देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर देखते हैं जाना कहाँ होता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो लिखना था तो शरण भाई ने लिख लिया है अभी। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे कि अभी जा रहे हैं, तो अभी वापसी मंदिर पे जाना पड़ेगा, वहीं से फिर वापसी। तो अभी निकलने की तैयारी, अपना पूरी बिस्तर हमने पहुँचा दिया यहाँ पर, और यहाँ से अभी निकलेंगे, तकरीबन 1 बजे गाड़ी मिलेगी हमें यहाँ से डायरेक्ट डाइवो मीरपुर खास के लिए। और अभी यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं, अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के आ चुके हैं। राजन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें एक हफ्ता में संभाला, अभी हम 1 बजे यहाँ से निकले। बराबर में एक मंदिर था, तो यहाँ से हम गुजर रहे थे, तो ये मंदिर भी हमने घूम लिया। शरवण भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, तो ये हनुमान जी की मूर्ति, और इस तरफ हम शिव शंकर भोलेनाथ जी, तो शिव शंकर भोलेनाथ जी। नंगर पार्कर से थोड़ा सा आगे आएंगे, दक्षिण भारती टेम्पल जी का कहा जाता है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और एक दफ़ा मैं पहले भी होके गया हूँ यहाँ पे, तभी भी शरवण भाई के साथ आया था, वो यात्रा पे बस लेके हम यात्रियों के साथ आए थे, तब मेला लगा हुआ था, लेकिन अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं। अभी शरण भाई यहाँ पे आके बैठे थे, तो मैं भी अभी यहाँ पे आया, माता रानी को नारियल चढ़ाने के लिए हम जा रहे थे, शरण भाई ने भी एक नारियल लिया, और एक मेरी तरफ से माता रानी को नारियल भेंट करने के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकलते सीधा चलते हैं माता शेरावाली के मंदिर पे। अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर पे, और अभी शरण भाई ने अपना नारियल निकाल लिया और चढ़ा लेते हैं माता रानी को अपनी तरफ से नारियल। धूप वगैरह देना नहीं, ऐसे चढ़ाएंगे, ऐसे चढ़ाएंगे। और ये ढोलक जो सुबह हम बजा रहे थे, और यहाँ पे हवन होगा बड़ा, लेकिन हमारा आज लास्ट डे माता रानी के चरणों में, क्योंकि 7 दिन से हम यहाँ पे रह रहे, उठ रहे, जाग रहे, सारा कुछ यहीं था, तो माता रानी ने सब कुछ अच्छा किया, तो आज माता रानी को नारियल चढ़ा देते हैं और फिर यहीं से निकलेंगे। तो पूरा साफ करके फिर इसको तोड़ेंगे।
गत मैया के चरणों में। अभी माता रानी को नारियल हमने चढ़ा दिया, शरवण भाई ने भी नारियल चढ़ा दिया, मैंने भी चढ़ाया, तो माता रानी भी सबके ऊपर कृपा करें जो मेरे चाहने वाले हैं सबको। सबके लिए मेरी तरफ से यही दुआ कि हमेशा खुश रहें, आप बात रहें और ऐसे ही अपनी भक्ति भावना करते रहें। तो चलें शरवण भाई, चलो बोले माता रानी कृपा करेंगी। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, माता रानी से क्षमा मांग ली, अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करिएगा। तो ये भाई साहब भी हमारे साथ थे, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, 7 दिन जो गुजरे माता रानी के चरणों में गुजरे, और हम भाग्यशाली थे जो 7ों दिन माता रानी के चरणों में रहे और यहीं पे उठना ये वो सारा कुछ यहीं था। तो अभी आज का दिन यहीं पे हमारा आखिरी है, तो अभी हम निकलेंगे अपने घर की साइड यहाँ से। ठीक है भाई, जय माता की। ईश्वर भाई मेहरबानी यार, कोई गलती चाहिए तो क्षमा कर दो, गलती कहा नहीं थी, गलती इधर तब मैं आओ तो दौड़ा मगन के दी कोई टाइम मिली लगा से हमने आने बकरा सराया तो मकर बकरा सराए बकरा नदी तो हम अगर बकरा थे ना मकर बे हुए गाली बे हुए ने यानी लाओ। चलो गाइस ठीक है, बाय बाय बाय। तो गाइस अभी यहां से निकलते हैं और माता रानी के दरबार में हमने 6-7 दिन गुजारे, बहुत ही बढ़िया गुजरे। तो अभी माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और हमारे भगवान भैया रही जा रहे कहां पे वो पड़ा ये उठा ले अपने कपड़े, हमने बोरिया बिस्तर अपना तो वहाँ पे पहुँचा दिया राजचंद भाई के पास। लेकिन शरवण यार चाबी बाइक की मंदिर में देखो, मैं भूल मंदिर में तो यार मैं भुलक करूँ बिल्कुल, चाबी भूल जाता हूँ बार बार। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, सीधा चलते हैं नंगर पार्कर।